नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार पुलिस कैसे बनाया जा सकता है। बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, इसी तरह से बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको जानना जरूरी है। तो पूरा वीडियो देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार पुलिस बनने के लिए हमारे पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। यदि आप सिपाही बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला, शैक्षणिक योग्यता। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर इंटरमीडिएट है तो आप योग्य हैं इस पद के लिए, आप इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम जो है 25 वर्ष तक की उम्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है, अर्थात 2 वर्षों की छूट है पिछड़े वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र होना चाहिए 28 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अगर पुरुष और महिला हैं तो उनकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिक से अधिक उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। इसके अलावा प्रशिक्षित गृह रक्षक जो कि होमगार्ड्स में हैं उनकी उम्र में जो है 5 वर्षों की छूट दी जाएगी और ये उम्र की गणना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो शारीरिक मापदंड में दो विशेष बातें हैं, सबसे पहला ऊंचाई, दूसरा है सीना। ऊंचाई जो है अनारक्षित वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अगर है तो उनकी अधिकतम न्यूनतम ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। भारतीय मूल के अगर गोरखा पुरुष हैं तो उनके लिए बिहार पुलिस बटालियन के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 162 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सीना, चेस्ट। बिना फुलाए चेस्ट की आकार जो है 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कम से कम 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर कम से कम 86 सेंटीमीटर। ये अनारक्षित वर्ग के लिए यानी जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए है, जबकि स्त्रियों के लिए सीना माप की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए कम से कम उसका चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसी तरह भारतीय मूल के अगर गोरखा हैं तो उनके लिए जो है बिना फुलाए चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा 84 सेंटीमीटर होने चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, महिलाओं के लिए सीना की मापी की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ये सब अर्हताएं यानी कि योग्यताएं आप में है तो आप बिल्कुल बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका डेट भी आ चुका है, आप जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या कोई प्रॉब्लम समस्या हो या कोई और बात जाननी हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।